हेलो गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है चेतन, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों आज कुछ वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको भी जो है फ्री फायर मैक्स में लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है क्राफ्टलैंड मैप में। तो आज कुछ वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से प्रॉब्लम हो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मेरे को भी यहाँ पर जो है क्राफ्टलैंड मैप में यहाँ पर लोडिंग प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर गेम है वो यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आज कुछ वीडियो इसी के बारे में बताने वाला हूँ आपको, कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ। वो सेटिंग करेंगे ना तो आपका लोडिंग प्रॉब्लम यहाँ पर हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। 100% प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप जो है फ्री फायर मैक्स में क्राफ्टलैंड मैप में लोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो गाइस आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। बैक आ जाने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको फ्री फायर को इस तरीके से निकाल देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री फायर के ऊपर आपको लॉन्ग टाइम आपको दबा के रखना है, पहली सेटिंग है। आपको आगे भी आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बताता हूँ। तो फ्री फायर के ऊपर लॉन्ग टाइम दबा के रखिए, आई वाला ऑप्शन लगा ऐप इन्फो वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, आपको आगे भी क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद में आपको स्टोरेज के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। स्टोरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको क्लियर कैच करना है, क्लियर डेटा मत कर देना। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं क्लियर कैच वो यहाँ पर कर लेता हूँ। इतना करने के बाद में आपको बैक आना है। बैक आ जाने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डिवाइस को यहाँ पर आपको रिबूट कर लेना है, अपने डिवाइस को पावर ऑफ करके पावर ऑन कर लेना है, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको फ्री फायर मैक्स ओपन करना है, जो भी आपके मोबाइल में है फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में भी आपको एक सेटिंग करनी है, वो आपको बता देता हूँ, वीडियो को देखते रहिए। ओके, इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ऊपर सेटिंग वाला ऑप्शन लगा गया, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको क्लियर कैच, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लियर कैच करना है ब्राउज़र को। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट नेटवर्क इशू, इसके ऊपर आपको क्लिक करके सेंड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग है वो यहाँ पर सेंड हो जाएगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 मिनट तक आपको वेट करना है। वेट करने के बाद में यहाँ पर आप क्राफ्टलैंड मैप लगा के स्टार्ट करेंगे, आपका लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा था ना गाइस, वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पर 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स में क्राफ्टलैंड मैप में जो लोडिंग प्रॉब्लम आ रही थी वो वाला इस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जितनी भी सेटिंग की है वो करके देखिए, आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो अगले वीडियो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।